आजादी के बाद से ही झुमका की सड़कें बाट जो रही हैं विकास की। सन 1987 तत्कालीन सांसद फयाज आलम के समय सिर्फ पत्थर ही बिछाकर विकास की नींव डाली गई। आज सिर्फ कीचड़, गड्ढे और जल जमाव के सहारे है सड़कों की विकास। इस योजना के मद में अभी तक किसी को भी कोई भुगतान किया ही नहीं, तो फिर बंदरबांट का आरोप हास्यास्पद है। वीरेंद्र गुप्ता, न्यूज 9 टाइम्स, बेतिया से आशुतोष कुमार बनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया पुलिस जिला के नरकटियागंज अनुमंडल के सिकटा थाना में एक गांव ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जो कि आजादी के 75 साल बाद भी ना तो कीचड़ों से और ना ही गड्ढों से और ना ही जल जमाव से आजाद हो सका है। आजादी मिली है तो सिर्फ और सिर्फ मतदान करने का अधिकार का। उस जनता के मतदान से जनता के लिए जनता का एक चुना हुआ प्रतिनिधि आकर गांव, पंचायत, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का विकास करता है और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तरदायी होता है। परंतु अब ना तो मतदाता द्वारा मतदान की महत्ता है और ना ही जनप्रतिनिधि द्वारा मतदान की गरिमा को। कुर्सी सिर्फ और सिर्फ फंड मैनेजमेंट की कहानी बनकर रह गई है। इस कुर्सी में डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात तो रह ही नहीं गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत योजना का नाम झुमका से लेकर दुखी छापर है, जिसमें 4 किलोमीटर तक की सड़कें नव निर्माण के लिए प्रस्तावित है। इस 4 किलोमीटर की सड़कें 3-3 पंचायतों से होकर गुजरती है, फिर भी इसकी उपेक्षा बनी हुई है। बेहरा, बैसाखवा और सिरगिटिया तीनों पंचायत के विकास की यह मुख्य मार्ग है। इस योजना के लिए 1,35,53,000 रुपये प्रस्तावित है और इस कार्य योजना की तिथि 26 मई 2020 है और कार्य संपन्न होने की तिथि 25 मई 2021 है। परंतु इस प्रस्तावित एक साल में ना ही कोई निर्माण कार्य शुरू हुआ और ना ही कोई मटेरियल अब तक गिराई गई है। ऐसे में जैसे ही बरसात का समय आता है वैसे इस सड़क की हालत इतनी दयनीय हो जाती है कि गाड़ी तो गाड़ी, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। वहीं कुछ दिनों पूर्व सिकटा थाना की गाड़ी इस सड़क पर फंस गई थी और एक टेम्पो भी पलट गई थी। और यदि आप मोटरसाइकिल हिचकोले खाते हुए ठीक से नहीं चलाएं तो पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते समय नहीं लगेगा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन तक से गुहार लगा चुके हैं, परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में हम आखिर जाए तो कहाँ जाए। एक बार इसके लिए ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता से लठियाई में बैठक भी की, जिसमें उनके द्वारा कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया, फिर भी यह कार्य शुरू नहीं हुआ। सिकटा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले यह गांव, मुख्य गांव झुमका, कई बार सांसद, विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने का कार्य किया है, बावजूद आज तक गांव की सड़कों की दुर्दशा पर किसी ने एक बार भी नहीं सोचा है। वहीं इसके पूर्व विधायक व मंत्री खुर्शीद आलम द्वारा इस सड़क को पास करवाया गया, पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। सड़क को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में गजब का आक्रोश है। सड़कों का निर्माण भले ही ना हुआ हो, पर योजना की बोर्ड झुमका पोखरा, लठियाई मस्जिद के पास और दुखी छापर नहर के पास 3-3 जगह लगी हुई है। क्या यह महज दिखावा के विकास है या फिर छलावा के विकास? वहीं इस गांव की सड़कें पूर्व सांसद फयाज आलम के पोखरे के पास से गुजरती है, जहाँ अक्सर छोटी बड़ी दुर्घटना सड़क के अभाव में होती रहती है। ऐसे में ग्रामीणों का प्रदर्शन सभी तरह से जायज ही दिखता है। उक्त लंबित मामले में संदर्भ में जब नरकटियागंज अनुमंडल ग्रामीण विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव रंजन सुधांशु से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उक्त सड़क मार्ग के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने पीसीसी सड़क की मांग की थी, जिसके लिए स्थानीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता के पीसीसी के लिए अनुशंसा कर प्राकलन संशोधन के लिए मुख्यालय भेज दिया गया है, जिसके कारण यह निर्माण अभी लंबित है और जो समय सीमा समाप्त हुई वो लॉकडाउन के मद्देनजर 3 माह का विस्तार कर दिया गया है। हालांकि कुछ दिनों में कार्य संवेदक के द्वारा शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं सिकटा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता की जिला मुख्यालय से बाहर पटना होने के कारण मोबाइल पर इस संबंध में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बड़ी शालीनता से यह बताया गया कि झुमका गाँव में पोखरा के द्वारा आधी सड़क को काट लिया गया है, जिसके मद्देनजर हमारे द्वारा प्रधान सचिव से बात कर नए प्राकलन संशोधन के लिए अनुशंसा और उक्त जगहों पर जहां जल जमाव की परेशानी है वहां के लिए पीसीसी कराने की मांग की गई है, जिसके संबंध में प्राकलन संशोधन करने का भी प्रावधान प्रधान सचिव के द्वारा कार्यपालक अभियंता को दिया गया है। यदि वहां अलकतरा की सड़कें बनेंगी तो वो जल जमाव से क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और ऐसे में बनना और ना बनना बराबर हो जाएगा।
मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध हूँ और जिन संवेदकों को मेरी पार्टी से जोड़ा जा रहा है वो मेरे कार्यालय में टेंडर नहीं लिए हैं, जो पूर्व के विधायक सह मंत्री के समय ही यह टेंडर लिए हुए थे। ऐसे में किसी तरह की शंका मेरे और संवेदक के बीच प्रकट करना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा कि ग्रामीणों की समस्याओं से मुक्ति मिला दिला सके। पूर्व में 35 साल तक किसी ने नहीं खोजा और जब मुझे आए चंद माह ही हुए हैं और कोरोना लॉकडाउन से सारा ब्रेक लग गया तो थोड़ा विलंब स्वाभाविक है। न्यूज 9 टाइम्स। पारण के यह सिकटा विधानसभा क्षेत्र और सिकटा थाना का ये झुमका गांव है, जहां आज भी आज़ादी के बाद से सड़कों से लोग महरूम हैं। जहां अभी खड़े हैं, यहां के लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद से यहां की सड़कें बनी ही नहीं हैं, सिर्फ पत्थर गिराकर खानापूर्ति की गई है। और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में विकास में हर गांव गांव की सड़कें बनाई जा रही हैं, वैसे स्थिति में भी आज भी यह गांव सड़कों के बगैर, लोग यहां महरूम हैं। सड़कों की जो अभी हालिया स्थिति है वो इतनी दयनीय है, जो कि मात्र पानी बरसने से ही आना जाना चलना मुश्किल हो चुका है। आपको अगर आना होगा तो हिचकोले खाते आना होगा, जाना होगा तो हो सकता है गिरते पड़ते ही भी जाना होगा। आप देखिए, ये सड़क का टेंडर निकाला गया था जिसका नाम दिया गया, योजना का नाम झुमका से दुखी छापर पथ, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत इस सड़क को बनवाना था, लेकिन जिसके लिए एक प्राकृत राशि 1,35,53,00,000 रुपये की प्राकृत राशि थी और इसके लिए रख रखाव की राशि 32,10,000 रुपये थी। इस कार्य को आरंभ करना था 26/5/2020 में, जो कि कार्य को पूरा करना था 25/5/2021 में, यानी कि साल एक साल पूर्व इस काम को शुरू करना था और आज से ठीक 15 दिन पहले इस काम को ख़त्म कर लेना था। परंतु आपको बता दें कि सड़क पे ना ही आज तक मिट्टी गिरी है, ना ही पत्थर गिरा है, ना ही बालू गिरा है और ना ही कभी सड़क पे कोई काम करने कोई कारीगर या ठेकेदार यहाँ पे आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक बोलते हैं कि जब हमको मन करेगा तब हम बनवाएंगे, जब मन करेगा नहीं बनवाएंगे, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। हम इसी कड़ी में कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है ये आज तक ये सड़क बना नहीं। हम एक बात करते हैं यहाँ ग्रामीणों से, जरा आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? सोहेल अख्तर। ये बताइए, ये सड़क कब से नहीं बना हुआ है? हम लोग होश संभाले थे इस रोड पे, कभी देखे पत्थर था, बड़ा बड़ा था बोल्डर जिसपे पैर और फूट जाता था बच्चों का, और यहाँ से आना जाना बरसात में कभी तो था नहीं, कैसे वो मुश्किल से यहाँ से दूसरे गांव में जाना होता था, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो अगले गांव से संपर्क हमारा टूट जाता है। ये एक सड़क जब मतलब पत्थर गिरा हुआ था, किस समय गिरा हुआ था? ये डॉक्टर फैजल आजम जब थे शायद उन्हीं के समय, हम लोग होश से पहले का बात है। पूर्व सांसद थे, हाँ। उसके बाद से ये सड़क कभी नहीं बना? नहीं नहीं, नहीं कोई लगभग लगभग किस सन की बात आप बता रहे हैं कि यही हुआ होगा 87-88 का? 87-88 के बाद से ये सड़क बना ही नहीं? नहीं नहीं, लेकिन आज ये सड़क आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, 2020 में इस सड़क को पास किया गया बनाने के लिए, तब से अभी तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई आया संबंध में कभी किसी जिला के अधिकारी या अनुमंडल के अधिकारी या अपने जनप्रतिनिधि से बोले हैं? हम लोग सब किसी से बोल के देख लिए, वो बोल रहे हैं कि ठेकेदार का काम है, जब जी करेगा वो बनाएगा। अभी बरसात तो अभी हुआ नहीं है, एक दिन के बारिश में देखे हैं कि वहाँ से आना बहुत मुश्किल है, चप्पल लेके हाथ में जाना पड़ता है, कई बच्चों का पैर टूट गया इसमें आते जाते, मुसाफिर आ नहीं पा रहे हैं, कल यहाँ एक टेम्पो उलट गया। क्या कारण है कि मतलब अब तक इस रोड को उपेक्षा किया गया, क्या कारण है? कुछ कारण है क्या, कुछ राजनीतिक या ग्रामीण या कुछ ऐसा कुछ कारण लगता है कि? अबे हमें ये नहीं मालूम है कि क्या है, लेकिन यहाँ इतना जो फास्ट जमाना है, 4G पे चल रहा है, भारत 5G पे पहुँच गया, आज तक आज़ादी के बाद से इस गाँव में, झुमका जो एक बहुत बड़ा विशाल गाँव है, एक डिसाइडिंग यहाँ से MP MLA मिनिस्टर सब कुछ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी को ये गांव दिखाई नहीं देता है। लगातार फेसबुक सोशल मीडिया पे इस रोड का चर्चा होता रहता है, कोई विधायक कोई मंत्री इसको बनवाने का अपेक्षा नहीं रख रहा है, ना दिलचस्पी दिखा रहा है।
बोल ले रहे भाई। आपने देखा, एक ग्रामीण ने बताया हमें कि यहाँ इस क्षेत्र से कई बार विधायक मंत्री तक बन चुके हैं, परंतु उनकी उपेक्षा आज तक इस झुमका गांव में बनी रही और झुमका आज तक विकास से कोसों दूर रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहबाज आलम हुआ। आप झुमका के? जी, यही नजदीक में मकान। नजदीक में मकान है आपके? मकान के नजदीक में रोड की जो हालत है वो कब से है? बहुत दिन से, हम लोग जब से बच्चे हैं तब से देख रहे हैं ऐसा ही हालत है यहाँ पे। यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्टर लोगों को, ठेकेदार लोगों को दिया जाता है, सब आसपास के हैं, दबंग लोग हैं, वो बनवाते नहीं हैं, पैसा वैसे ही खा जाते हैं। कुछ वो क्या नाम है, प्रतिनिधि लोग खा जाते हैं, कुछ वो लोग खा जाते हैं, रोड बनता नहीं, कागज पर नहीं रोड बनता। सड़क जो आपके गांव की है, कभी विकास को देखी है या नहीं देखी? नहीं, कभी नहीं देखा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब बारिश आता है तो नज़दीक के लोग जो है अपने पैसे से राबिस वगैरह डाल करके कैसे वो चलने का प्रबंध करते हैं। कोई प्रतिनिधि नहीं आता है यहाँ पर देखने के लिए कि क्या हाल है सड़क का। जब से है हम लोग वो संभालने देख रहे हैं, ऐसा ही है सड़क। अच्छा, क्या कारण है कि यह सड़क पास होने के एक साल पूर्व और उसका समय भी, सीमा भी खत्म हो चुका है, फिर भी इस रोड में आज तक कोई काम शुरू नहीं हुआ? यहाँ जो ठेकेदार है इधर का, वो दबंग आदमी है, वो काम नहीं कराना चाहता है, इसीलिए नहीं बन रहा है, पैसा खा जाता है। इसके संबंध में कोई कंप्लेन आपके द्वारा किया गया है? नहीं, हम लोग तो बार बार जो विधायक आते हैं, अभी कुछ दिन पहले घेराव हुआ था, विधायक को बताया गया था, लठियाई में भी एक रोज घेराव हुआ था, विधायक से कहा गया है, वो बोल रहा है कि काम हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। कितने दिनों पूर्व आप लोगों को विधायक से ये बात? अभी कुछ दिन पहले, अभी बरसात स्टार्ट हुआ है तो नया विधायक आए हुए हैं, नया विधायक जो चुन करके आए हुए हैं, उनसे क्या गुप्ता जी नाम है उनका, वीरेंद्र गुप्ता, उनसे कहा गया था, बोले कि बन जाएगा, देखिए कब तक बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलरेज आलम है। कहाँ घर हुआ आप? मेरा आगे ही घर है, यही रोड में। इसी रोड में घर है? ये जो पीछे आपकी सड़क है, इसकी बद से बदतर स्थिति है, ये कभी सड़क बना भी है? अभी आप ये सड़क दे रहे हैं, कल आते तो यहाँ राबिस गिरा हुआ जो देख रहे, इतना गड्ढा था इसमें, कल गाड़ी नहीं पुलिस की निकल पा रही थी, सिक्टा थाना आया था इधर लठियाई में, कैसे मुश्किल से पार हुआ है। हम लोग खुद अपने पैसे चंदा करके गड्ढा भरते हैं, ठेकेदार बोलते हैं कि हमारा जब दिल करेगा जब ही बनाएंगे, आप लोग जबरदस्ती कीजिएगा तो हम नहीं बना पाएंगे। और ठेकेदार साहब का कहना है कि हाँ, जब उनका मतलब जब मर्जी करेगा, आज 35 साल हो गया ये कहते, हाँ, जब दिल करेगा जबरदस्ती दबाव डालिएगा हम नहीं बनाएंगे। ठेकेदार 35 साल से थोड़ी ठेकेदारी लिए, यानी बोर्ड के हिसाब से हम लोग कोई ना कोई ठेकेदारी बनाता है ना 35 साल से, सरकार खुद यहाँ आके चल के आता नहीं बनाया, पैसा पास कर देता है। सड़क पास हुई थी क्या? कोई भी आज तक ठेकेदार आया सब चोर आया, कोई नहीं सही आया, आज तक ये रोड बना ही नहीं। हम लोग पैसा चंदा करके और राबिस गिराते, ये इस बार कल गिरा हुआ है राबिस, 3 बार हंगामा हुआ, विधायक को भी घेर घर हुआ, ठेकेदार के सामने विधायक के घर पे गए थे हम लोग, और ठेकेदार भी था तो बोले विधायक के सामने, ठेकेदार साहब हम पे दबाव मत डालिए, जब हमारा दिल करेगा जब बनाएंगे, हम लठियाई में पहले बनाएंगे, बाद में झुमका सोचेंगे, झुमका कोई हमारा जरूरी नहीं, ये गांव का कोई पूछने वाला नहीं है, मुखिया रोड भी ये नहीं बनाता है, बोलता है विधायक और MP MLA बनाएगा ये रोड, कोई नहीं बनाता है, इस वजह से ये 20 साल 50 साल से इसी पड़ा हुआ, इतना गड्ढा होता है, जब बारिश होएगा तो आप आके देखिएगा, अभी तो हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ तो कल ये राबिस गिरा दिए हम लोग। नहीं, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शेर। अरे, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शेर। कहाँ घर हुआ आपका? झुमका है, बगल में घर है। बगल में घर है। इस रास्ते से जो रास्ता भी आप देख रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं, इसी रास्ता से आना जाना आपका होता है? एकदम मस्जिद में हम लोग जाते हैं नमाज पढ़ा 5 वक्त। शहर भी जाना हो तो किस रास्ते जाते हैं? इसी रास्ते जाते हैं। ये रास्ता जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से ही उपेक्षित है। एकदम ठीक बता रहे हैं, सही बात है, सही बात। तो ये बताइए क्या कारण है कि ये आज़ादी के बाद भी आज तक ये गाँव इतना डेवलप गांव है और इतना बड़ा गांव है, फिर भी उपेक्षित है? अब इतना पीछे तो हम नहीं जाते हैं, क्या बात है, कौन कारण है, क्या ना किसके किससे दुश्मनी है, क्या है, हम ये बात नहीं जानते हैं कि नहीं, दुश्मनी की वजह से नहीं बन रहा है। किससे दुश्मनी है? यानी नेताओं की नेताओं से दुश्मनी है, नेताओं की जनता से दुश्मनी? नेताओं से नेताओं की दुश्मनी है, नेताओं से नेताओं से। तो क्या कारण है कि आप लोग वैसे नेता को चुन कर लाते हैं? भाई तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वोट से हम लोग का जीत हार होगा, हम लोग जहाँ विचार करता है दे देता है, वोट तो देना जरूरी है, उसके बाद उपेक्षा हो जाती है, उपेक्षा हो जाती है, जीत हार हो जाती है। एक चीज बताइए, साल भर पहले जैसे आपके पीछे एक वोट, पीछे जो आपके बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 5वां महीना 2020 में ये कार्य शुरू किया गया, परंतु 1 साल का ये काम था और 25/5/2021 हो गया, उसके बाद भी ये काम शुरू भी नहीं हुआ और समय खत्म हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है, ये कहा कि ऐसा बोर्ड लगा रहा है, नहीं काम हुआ, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं, इसीलिए ये काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। चलिए, बहुत कि यहाँ के झुमका के ग्रामीणों ने
जो दर्द सड़क के लिए उठाया है, जो कष्ट उठाया है, वो किसी भी जनप्रतिनिधि के कानों तक नहीं जा रहा है। ये अपनी आवाज़ उठा उठा कर थक चुके हैं, परंतु चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या संवेदक हो, सब इनके ऊपर हावी रहते हैं, क्योंकि वो विकास नहीं करते हैं, विकास का सिर्फ दिखावा करते हैं। आशुतोष कुमार बंडवाल, ब्यूरो चीफ, न्यूज़ 9 टाइम्स।